जिलेबी, कचौड़ी, पकोड़े, समोसे, इन सब के इंग्लिश से लेकर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे कि समोसा का इंग्लिश क्या होगा, जिलेबी की इंग्लिश क्या होगा। इन सब के स्वीट फूड्स के इंग्लिश के नाम हिंदी और इंग्लिश में समोसा को इंग्लिश बोलते हैं रिशोल और कचौड़ी को इंग्लिश बोलते हैं पी या पेस्ट्री। एंड नेक्स्ट वर्ड है जलेबी, इसको इंग्लिश से बोलते हैं फ्यूनल केक्स। एंड पकौड़े या पकौड़ा को इंग्लिश से बोलते हैं फ्राइटर्स। एंड नेक्स्ट वर्ड है खस्ता कचौड़ी, इसको इंग्लिश से बोलते हैं क्रस्टी सेव्योरी। एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव गुलाब जामुन, इसको इंग्लिश से बोलते हैं डीप फ्राइड बॉल्स इन सिरप। एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव कबाब, इसको इंग्लिश से बोलते हैं कटल्स। एंड नेक्स्ट वर्ड है उपमा, इसको इंग्लिश से बोलते हैं राइस पैनकेक्स। एंड नेक्स्ट वर्ड है गोलगप्पे या पानीपुरी, इसको इंग्लिश से बोलते हैं वाटरी बॉल्स। एंड नेक्स्ट वर्ड है टिक्की, इसको इंग्लिश से बोलते हैं कटल्स। एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव आलू की टिक्की, इसको इंग्लिश बोलते हैं पटाटो केक्स या पटाटो कटल्स। एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव बड़ा, इसको इंग्लिश से बोलते हैं क्रैक्यूट। एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव चटनी, इसको इंग्लिश से बोलते हैं सॉस। एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव घोल, इसको इंग्लिश से बोलते हैं बटर या सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव लस्सी, इसको इंग्लिश से बोलेंगे चर्नड कर्ड। एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव मलाई, इसको इंग्लिश से बोलेंगे क्रीम। एंड नेक्स्ट वर्ड है रस, इसको इंग्लिश से बोलेंगे सिरप या ब्रॉथ। एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव गड़ा रस, इसको इंग्लिश से बोलते हैं ग्रेवी। एंड नेक्स्ट वर्ड है ऑमलेट, इसको इंग्लिश से बोलते हैं ऑमलेट। एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव सलाद, इसको इंग्लिश से बोलेंगे शेलट। एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव हलवा या फिर मट्ठा, इसको इंग्लिश से बोलेंगे पुडिंग।